एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। वैसे तो सरकार और सामाजिक संगठन नशा मुक्ति के लिए लोगों को प्रेरित करती है, नशे के चलते कई बड़ी घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के गृह गांव के ग्रामीणों ने भी नशा मुक्ति के अहम फैसले लिए। पूर्व में उमा भारती ने भी नशा मुक्ति की पहल शुरू की थी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के गांव में ग्रामीणों के द्वारा लिया गया बड़ा निर्णय, नशा मुक्ति अभियान को लेकर गांव ग्वाल बाबा के मंदिर चौराहे पर भरी पंचायत की सभा में लिया गया बड़ा निर्णय। पंचायत में पहला निर्णय, गांव में जो भी शराब बेचते हुए पाया जाता है उसके लिए 21,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, गांव से बहिष्कार भी किया जाएगा और जो भी गांव के अंदर शराब के नशे में पाया जाता है उसके लिए 11,000 का जुर्माना लगेगा। अगर कोई भी ग्रामीण शराब बेचने की जानकारी देता है उसके लिए 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पंचायत के द्वारा समाज को नशा मुक्त से मुक्त कराने के लिए गांव के ग्रामीण मुख्य एवं सरपंच पंच की अहम भूमिका निभाई गई है। इस जनभागीदारी नेक कार्य के लिए ग्रामीणों के द्वारा अहम फैसला लिया गया। डूंडा गांव के सैकड़ों ग्रामीण पंचायत मौजूद रहे। एनटीवी टाइम के लिए टिकमगढ़ से तुषित सरोठिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं हरी सिंह लोधी। कहाँ से हरी सिंह? डूंडा से। अच्छा हरी सिंह, बताओ ये नशा मुक्ति को लेकर आप लोगों के अंदर जो भाव जो आए हैं, पंचायत में जो फैसला लिया गया है, कैसे आप लोगों के अंदर? मुकेश जी, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँ, ये ग्राम डोड़ा है जो सिद्धेश्वर श्री उमा भारती की जन्मस्थली है। वास्तव में यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो शराब के नशे के कारण छीण होती जा रही थी, जिस पर सभी ग्राम के वरिष्ठ जनों ने, सम्मानीय जनों ने विचार विमर्श किया और एक महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया। महापंचायत बुला करके सभी ग्रामवासियों ने कारश्री बाबा प्रांगण में एकत्रित होकर के जो निर्णय लिया कि हमारे गाँव से शराब बंद होनी चाहिए और हमारा गांव शराब मुक्त होना चाहिए। परम सिद्धेश्वर श्री उमा भारती जी ने प्रदेश लेवल पर नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत कब्य बाहर से फूंका था, उसी का अनुसरण करते हुए हमारे ग्रामवासियों ने जो नशा मुक्ति अभियान, नशा को बंद करने का जो बीड़ा उठाया है वो पूर्णतः सही है। और जब हम अपने गाँव की गलियों में जाते हैं मुकेश जी, तो यहाँ पर जो महिलाओं में जो उत्साह है वह बड़ा ही सराहनीय है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे थे, उनके माता पिता, उनके पिताजी शराब पी करके शाम को घर आ रहे थे, तो उनको शराब के नशे के कारण पढ़ने लिखने जो असुविधा हो रही थी उससे बच्चों में बड़ा ही उत्साह है। और यदि हमारे गांव से शराब पूर्णतः बंद होती है तो हमारे गाँव का नक्शा एक या दो महीने में ही बदल जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रकाश प्रजापति, इसी गांव ग्राम का मैं सेवक हूँ जो सरपंच कहलाते हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या परम सद्य श्री उमा भारती की रही है कि उनका ही लक्ष्य था ये पहले कि शराब मुक्ति, शराब से नशा अभियान है चलाया जाए, वो इसके द्वारा बंद किया जाए। तो हम सभी ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर पंचायत की सहमति से और सब समाज अलग अलग होकर के सब इकट्ठे होकर के सबसे सहमति बन करके इस शराब अभियान को बंद कराने का प्रस्ताव रखा गया है। और इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? क्या इसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो भी शराब बेचेगा उस पर 21,000 का जुर्माना लगेगा और इसके अलावा जो पिएगा तो उस पर 11,000 का जुर्माना लगेगा। इसके बाद जो बताएगा कि जो पी रहा है तो उस पर 5,000 का पुरस्कार दिया जाएगा, किया जाएगा। इसलिए हमें अत्यंत खुशी भी है कि हमारे माननीय श्री परम सद्य श्री उमा भारती का ग्राम है, वह हमें खुशी भी हो रही है कि उनका लक्ष्य ही था पहले। तो हम लोगों ने बड़े हैश के साथ हैं और बच्चे खुश हैं, महिलाएं भी खुश हैं, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है। इसलिए हमको इससे और आगे में, जैसे ये गाँव में बंद हुआ है तो कई गाँव में भी अब यह न्यूज जाएगी तो हर गांव में भी बंद होंगे। तो अभी कुछ एकाद के विरुद्ध कुछ पंचायत ने फैसला लिया है, कुछ शराब को दंडित किया है कुछ? हाँ, एक व्यक्ति को दंडित किया है उस हमारे पंचायत के सभी खट्टों ने, तो उसका हो गया है जो 21,000 का जुर्माना। खबरें तो देश से बहुत आती है लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती है। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़।